जब मैंने स्टार्ट किया था कोई था ही नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि शायद क्या होगा इसका। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ रन पड़ते हैं, तो बैट्समैन को एक जगह से सेट नहीं होने देना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक बहुत मुश्किल काम होता है करना, और बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं विश्व में जो ऐसी वो स्किल रखते हैं। तो अमंग्स द फाइनेस्ट फास्टेस्ट 100 ओडीआई विकेट्स, आई हैव गॉट कुलदीप यादव विद मी। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर बीइंग हियर। क्रिकेट पाठशाला में आपका स्वागत है। और पहला बड़ा सवाल है ये कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन ये कितने इतना मुश्किल काम होता क्यों है? सब क्यों कहते हैं कि कितने कम क्यों लेग स्पिनर होते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये लेग स्पिनर राइट हैंड तो मिल जाते हैं, लेफ्टी नहीं मिलते, ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आकाश भैया इनवाइट करने के लिए। और लेग स्पिन आई मीन लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बहुत रेयर है, मुझे भी नहीं पता। जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई था ही नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि शायद क्या होगा इसका, इसका कोई स्कोप नहीं है। बट ऐसा लगता है कि शायद लोग प्रेफर नहीं करते, शायद आई मीन सिलेक्शन में लेग स्पिनर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि राइटी बैट्समैन ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादातर देखेंगे तो जो राइटी के लिए जो अगेंस्ट द स्पिन होगा वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनकमिंग डिलीवरीज पे बहुत रेयर है कि अगर, क्योंकि लेफ्टी इतने बैट्समैन देखे नहीं, शायद सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है ये भी, क्योंकि यूज टू हो गए लोग लेग स्पिन के लिए, और ये ऐसी चीज है जो बहुत रेयर रही है, तो लोग यूज टू नहीं है इसको, इसको सपोर्ट करने में भी शायद, मे बी मुझे तो यही लगता है। अच्छा, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन के चैलेंजेस कुलदीप, क्या चैलेंजेस आपने अपने करियर में फेस किए बतौर, जस्ट स्किल वाइज पूछ रहा हूँ मैं, आप ये कि जो लेग स्पिन की स्किल है वो गूगली डालने की, वो फ्लिपर डालने की, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लेफ्ट आर्म लेग स्पिन? लेग स्पिन क्योंकि आपको पास वेरिएशन होने बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है, अगर आप सिर्फ लेग स्पिन फेंकेंगे तो शायद बैट्समैन के लिए सेटअप करने में बहुत इजी है, क्योंकि इनकमिंग डिलीवरीज को एक ऑफ स्पिनर की तरह वो खेलेगा राइट हैंडर बैट्समैन। लेफ्टी के लिए आप यूजफुल हो सकते हैं कि आप विकेट निकाल के दें, बट अगर राइट, ज़्यादातर मोस्टली अगर एक टीम में अगर एक दो ही ऐसे प्लेयर होते जो लेफ्टी होते हैं, बाकी ऊपर से लेके 11 तक राइट ही ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास वेरिएशन बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। रॉन्ग वन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उससे आप सेट कर सकते हैं बैट्समैन को विकेट निकालने में। फ्लिपर एक ऐसी बॉल है जो आजकल के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फेंका यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि रन रोकती है T20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में, तो आपके पास कुल मिला के वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। और अगर वेरिएशन नहीं है तो आप शायद स्ट्रगल कर सकते हैं, बहुत इजी होगा बैट्समैन के लिए खेलना। कुलदीप, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एक्यूरेसी, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है लेग स्पिनर के लिए एक जगह पे बॉल डालना, या फिर टर्न, जिसकी ज्यादा टर्न होती हो या फिर एक्यूरेट ज्यादा हो, इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है? एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको विकेट मिलते हैं जहाँ पर टर्न नहीं होता है, और जिस तरह की क्रिकेट आजकल हो रही है तो आप हार्डली T20 फॉर्मेट में इतना बॉल घूमता नहीं है। आप टेस्ट क्रिकेट में देख सकते हैं बॉल स्पिन होता है, इवन वनडे में भी देख सकते हैं कि बॉल स्पिन करता है, बट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हल्का सा भी ऊपर पीछे हुआ तो रन पड़ सकते हैं, और आप अगर एक्यूरेट एक जगह से डालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप रन रोकते हैं, साथ ही साथ में प्रेशर बिल्ड करते हैं कि दूसरी तरफ से विकेट भी निकलते हैं। में क्या करना होता है अलग, क्योंकि मैं तीनों फॉर्मेट की बात करूंगा क्योंकि आप तीनों में एक्सेल करते हो। सो पहले टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं कि जब आप डाल रहे हैं भारत में, भारत से बाहर सिडनी में 6 विकेट, मुश्किल होती है भारत से बाहर विकेट्स निकालना, तो क्या क्या उस समय गेम प्लान रहता है? एक यंग बडिंग स्पिनर अगर आपको सुन रहा हो तो वो सोचे कि मुझे क्या करना है, कुलदीप जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तो उसको क्या बताओगे भाई टेस्ट क्रिकेट में क्या करना पड़ता है अलग से? टेस्ट क्रिकेट में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट अपने अंदर बिलीव रखो कि आप विकेट निकाल सकते हो, कहीं भी आपको मौका मिले आप विकेट निकाल सकते हो, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहा है। और स्किल वाइज आपको थोड़ा सा विकेट रीड करना पड़ेगा, विकेट कैसा है, कहीं कहीं फ्लैट विकेट मिलेगा तो आप वहाँ पे इतना तेज नहीं बॉल ला सकते हो, आप थोड़ा एयर में ड्रिफ्ट के बारे में सोचते हैं कि फ्लाइट थोड़ा देंगे, बैट्समैन को डिसीव करेंगे, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट आपको आपको एंगल बहुत जल्दी यूज करने पड़ेंगे राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, तो बैट्समैन को एक जगह से सेट नहीं होने देना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और
ये एंगल की आपने बात की, मैं पूछना चाह रहा था इस बारे में कि चूंकि हम वो राइट आर्म लेग स्पिनर्स को हम राउंड द स्टंप्स जाते हुए बहुत कम देखते हैं, वही क्योंकि राइट हैंडर बहुत सारे होते हैं, लेग स्टंप के बाहर पिच खत्म, लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास तो ये एडवांटेज रहती है कि आप ओवर द स्टंप्स डाल लो, आप राउंड द स्टंप्स डाल लो, तो अगर आप राउंड द स्टंप्स आ रहे हो तो फिर वहां से क्या गूगली डालना बहुत मुश्किल होता है कि भाई, क्योंकि बॉक्स के कोने में आप ऑटोमेटिकली चले जाते हो? नहीं नहीं बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि बैट्समैन भी लाइनअप करता है कि अगर आप थोड़ा कॉर्नर जा रहे हो तो आप अंदर फेंक रहे हो, अगर आप विकेट के पास से डाल रहे हो तो आप गूगली फेंक रहे हो, तो ये भी बैट्समैन देखता है। बट गूगली थोड़ा मुश्किल है वहाँ से डालना, पर वो बहुत इफेक्टिव बॉल है क्योंकि सीधा बॉल आके हल्का सा बाहर निकलता है, तो उसको बैट्समैन को अगर बैट्समैन प्रेशर में है तो वो सीधा ही खेलेगा, तो चांसेस रहते हैं स्लिप में जाने के या फिर कॉट बिहाइंड होने के। तो आप एंगल यूज कर सकते हैं, अगर राउंड अगर आपको बाहर से फेंकना है अंदर फेंकना है तो आप कॉर्नर क्रीज जाके आप अंदर फेंकते हैं, और अगर आप रॉन्ग वन फेंकना है तो विकेट से चिपक के आप डाल सकते हैं रॉन्ग वन। तो ये दो चीजें हैं जो मैं एक्चुअली करता हूँ। बैट्समैन को कैसे पढ़ते हो? हर बैट्समैन अलग अलग तरीके से खेलता है कुलदीप, तो बैट्समैन को पढ़ने की वो क्या कला है, आर्ट क्या है? बैट्समैन आई मीन सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि टीम कैसे खेल रही है, अपोजिशन क्या स्कोर है उनका। अगर 10 ओवर में विकेट नहीं गिरता है तो वो हर बॉल पे जाएंगे अब क्योंकि रन बनाने को देखते हैं। अगर प्रेशर में समझ में आ जाता है वो प्रेशर में, और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो एक साइड अच्छा खेलते हैं दूसरी साइड बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते हैं, तो कुछ ऐसे प्लेयर जो रिवर्स स्वीप भी मारते हैं, तो उस टाइम पेस वेरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन कुछ प्लेयर जब वो अगर एक दो बॉल आप डाल, अभी आजकल मैक्सवेल दूसरी तरह से शॉट खेलने लगे तो वो भी आपको प्लान करना पड़ता है कि उनको कैसे डालना है, तो अब आप स्लो डाल सकते हो क्योंकि अभी उनके दिमाग में ये रहता है कि अब रिवर्स स्वीप में मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो आप स्लो डाल सकते हो। तो बैट्समैन को ऐसे रीड करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से थोड़ा काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा एक टाइम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप रीड कर सकते हैं बैट्समैन को। T20 मुकाबलों में कई बार पिटाई होती है, वो सबकी होती है, वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की भी होगी। अब उस समय आपका गेम प्लान क्या रहना चाहिए कि भाई ओवर तो डालने हैं, आप विकेट टेकर भी हैं, तब फिर सोच किस प्रकार की होनी चाहिए एक बडिंग लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की? T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ रन पड़ते हैं, और मुझे भी बहुत रन पड़े हैं, बट मैंने एक सीखा ये चीज़ सीखी है क्योंकि जब आपको रन पड़ते तो आप बहुत जल्दी फिनिश करने को देखते हो, ओवर आप उतना सोचते नहीं है और एक ही जगह से बॉल डालने का देखते हैं। मेरा यही एक मानना है कि आप तुरंत एंगल चेंज करिए, शायद अगर आप राइटी बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं अगर आप दो छक्के मार दिए तो आप एंगल चेंज करके वाइड फेंक दीजिए, कुछ भी आप फ्लिपर तेज जो भी आपको लगे, क्योंकि उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको सिंगल दे के दूसरे बैट्समैन को खिलाना। अगर वो 5-6 बॉल खेलता है तो वो लंबा ओवर भी जा सकता है दूसरी टीम के लिए। तो मैंने यही सीखा है कि जब भी रन पड़े तो आप एक टाइम लो और एंगल तुरंत चेंज करो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक आखिरी सवाल है मेरा इसमें कि किसी से मैं सुन रहा था कि सिंगल देना भी एक आर्ट होती है और ये हर स्पिनर को आना चाहिए जब वाइड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये लेमैन को समझाओ कि भाई मतलब सिंगल कैसे दे सकते हो यार, आपको तो डॉट बॉल डालने का मन करता होगा, पर क्या ये जरूरी होता है कि आपको पता हो कि यहाँ पे मैं दूंगा सिंगल होगा, स्ट्राइक रोटेट होगी, अगर वो करना है तो कैसे करना है? बिल्कुल कभी कभी जैसे राइटी बैटिंग करता है तो उसके पैर पे फेंक दिया या फिर पैर की तरफ से फेंक दिया, अगर आपके वैसे भी जब मैं बॉलिंग करता तो स्क्वायर लेग पीछे होता है, मिड विकेट पीछे होता है, और ODI क्रिकेट पे बैट्समैन इतनी जल्दी मारता नहीं लंबा है, इधर अगर आप पैर पे डालेंगे तो एक ही रन स्वीप मारेगा एक रन होगा, या जब लेफ्टी करता था तो आप कट पे फेंक सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, वो कट खेल सकता है, तो ये एक ऐसे ऑप्शन है जो आप सिंगल दे सकते हैं। हाँ, पर एज ए यंगस्टर जब आप खेलेंगे क्रिकेट स्टार्ट करते तो आपको हमेशा रहता है कि मुझे सिंगल नहीं देना है, आप डॉट बॉल पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि डॉट बॉल कराना विकेट ले रहा है, और क्योंकि जब 17 के बाद जब प्लेयर निकलता है तो वो हमेशा अग्रेसिव होता है, विकेट निकालने को देता है, उसे कोई डर नहीं होता किसी चीज़ का, तो इम्प्रेस करने को देखता है और जब चाहता है अटैक करे, उस पर रन भी पड़ते हैं, बट इम्पॉर्टेंट रहता है कि विकेट भी निकाल के देता है वो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। क्रिकेट पाठशाला जो देखेंगे ना बच्चे, ये बहुत खुश रहेंगे कि बड़े गोल्डन टिप्स मिले हैं कुलदीप यादव से।